आज हम लोग सोलर सिस्टम और जो प्लैनेट्स होते हैं अलग अलग उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। लेकिन सर हमारे गैलेक्सी में सिर्फ सन और प्लैनेट्स ही होते हैं। अरे नहीं मानो, कई सारे लोग होते हैं, जैसे भयानक लोग, परी लोग, छल लोग। क्या? बेटा वो सब प्लैनेट्स ही होते हैं जिन्हें तुम ये नाम दे रहे हो। तो हाँ, हमारे गैलेक्सी में ऐसे कई सारे प्लैनेट्स होते हैं जिनमें से सबसे ज्यादा होती हैं उल्कापिंड या फिर एस्ट्रॉइड्स। उल्कापिंड? बेटा सिर्फ उल्का भी कह सकते हैं। तो ये जो उल्काएं होती हैं ये अलग अलग साइज की होती है और ज्यादातर छोटी होती है, लेकिन कुछ कुछ उल्काएं पृथ्वी से भी बड़ी होती है। और वो भी पृथ्वी की तरह गोल गोल घूमती रहती है। हाँ, और कई बार क्या होता है कि सूरज की गर्मी की वजह से या फिर आपस में टकराने की वजह से ये उल्काएं रास्ता भटक जाती हैं और दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। अगर उल्का सच में पृथ्वी की तरफ मुड़ जाए तो? गुड क्वेश्चन। तो वो धरती से टकरा सकती है। क्या? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? विनाश होगा, पूरी धरती का विनाश होगा। बालवीर का विनाश होगा। मैंने देख लिया है कि बालवीर परीलोक में कहीं नहीं, इसका मतलब वो पृथ्वी लोक में ही कहीं होगा। इसीलिए पृथ्वी से भी बड़ी उल्का को जब मैं अपने भयंकर जादू से पृथ्वी की ओर मोड़ूंगी और जैसे ही वो उल्का पृथ्वी से टकराएगी, पृथ्वी और बालवीर दोनों ही समाप्त हो जाएंगे और मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर हो जाएगा। अगर कोई विशाल उल्का पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी उलट जाएगी, पहाड़ मिट्टी के ढेर बन जाएंगे, समुद्र का पानी जमीन पर आ जाएगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्या? इसका मतलब मैं पृथ्वी पे अकेला राज करूंगा। ए बेवकूफ! सॉरी, मैं कह रहा था कि अगर पूरी पृथ्वी मिट जाएगी तो फिर तू कहां से बचेगा? हैं? साइलेंस। This is an emergency announcement. हमने स्कूल की छुट्टी कर दी है, सभी बच्चे अपने क्लासरूम से बाहर आ जाएं और एक जगह इकट्ठा हो जाएं। ये अचानक क्या हो गया? बच्चों जल्दी 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 अपने बैग्स पैक करो, जल्दी 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 बच्चों जल्दी चलो चलो निकलो बाहर। रानी परी, आपका सोचना बिल्कुल सही था। एक बहुत ही बड़ी उल्का बड़ी तेजी से धरती की ओर बढ़ रही है। क्या? फिर तो धरती बहुत बड़े खतरे में है। नहीं परी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर उस उल्का को रोकेंगे। नहीं, अब उस उल्का को पृथ्वी से टकराने से कोई नहीं रोक पाएगा। लो, है बोल रही आप फिर से बालवीर और परियों को।
मानिए मेरी बात, लगा लीजिए अपने मुंह को ताला, वरना होगा बुराई का फिर से मुंह काला। परी भागकर दीजिए मुझे नीचे उतार। ऐसा ही शक्तिशाली मेरा वार है, जिसका तोड़ना तो इन परियों के पास है और ना ही बालवीर के पास। अरे तो फिर है क्यों उतार रहे आप मुझ पर बालवीर का गुस्सा? दीजिए मुझे नीचे उतार। आज मेरे एक ही वार से पृथ्वीलोक और बालवीर दोनों का अंत होकर ही रहेगा। ओहो, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, किराया बढ़ गया, सब्जियों के दाम बढ़ गए और महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। ब्रेकिंग न्यूज, अब किस चीज के दाम बढ़ गए? ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस ब्रेकिंग न्यूज की पुष्टि इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कर दी है। हे भगवान, अब ऐसा क्या होने वाला है? जी हाँ, एक बहुत बड़ी उल्का जो कि हमारी पृथ्वी से भी बड़ी आकार की है, वो धरती की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और ये उल्का अगर पृथ्वी से टकरा गई तो साइंटिस्ट का कहना है कि पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। चलिए हम आपको इस उल्का की सैटेलाइट से ली गई लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ये उल्का बहुत ही तेजी से इस धरती की ओर बढ़ रही है। हेलो बापूजी, आपने आपने सुना उल्का के बारे में सुना? हाँ गजानन, हमें पता चला, हम सब भी घबरा गए हैं। बापूजी उनसे कहिए ना कि बच्चों को लेकर जल्दी घर आ जाए। हाँ गजानन बेटा, तू बच्चों को लेकर फटाफट घर पे आ जा। हाँ हाँ बापूजी, अरे स्कूल की छुट्टी हो गई है, बच्चे भी मेरे साथ ही है, जैसे बाकी के बच्चे भी आ जाएंगे ना, मैं सबको लेकर घर ही आ रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, हे भगवान सबकी रक्षा कर रहा। अरे बच्चों मानो मेरा हाथ छोड़ो ताकि मैं जाऊं और कुछ करूं। अब क्या होगा? अच्छा माजी पटकली, अब धरती पक्का नहीं बचेगी। ए, क्या बोल रहे हैं बाबा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम सबको खुश नहीं होने दूंगा। है? मतलब बालवीर खुश नहीं होने देगा। हाँ। खुश नहीं होने देगा बालवीर। और ये तू के मुहूर्त का वेट कर रहे हो? बुलाओ बालवीर को, बुलाओ बालवीर, 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 बालवीर। अरे बल्लू तू क्या चिल्ला नहीं रहा? अरे बुला बालवीर को। बालवीर, बालवीर, बालवीर। अरे मेरे आवाज देने से नहीं, मेरे जाने से आएगा बालवीर। हमारे इतने बुलाने पे भी बालवीर नहीं आ रहा है, लगता है इस बार बालवीर भी हमें नहीं बचा सकता। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि बालवीर पहले ही चला गया हो उस उल्का से हमें बचाने के लिए। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बाद में हम तुझे ढूंढते रहेंगे। अरे मानव मैं जाऊंगा नहीं तो सब ठीक कैसे होगा? बालवीर, बालवीर, माँ मुझे बुला रही है, लेकिन मैं जाऊं कैसे? मानव ने मुझे पकड़ा हुआ है। बालवीर कहाँ है आप? हमें आपकी जरूरत है। अरे बाप रे, ये उल्का तो और भी फास्ट हो गया।
बहुत बड़ा खतरा बढ़ते जा रहा है। मैं जानता हूँ माँ, मैं अभी अपने विस्तार शक्ति से उस उल्का को जलाकर नष्ट कर देती हूँ। हाँ विस्तार परी। विषधार परी की शक्ति का कोई असर नहीं पड़ा उल्का पर। हम सब परियों की शक्तियाँ कैसे रोकेंगी उल्का को? लेकिन हमें इस उल्का को तो रोकना ही होगा परियों, और इसलिए इसे रोकने के लिए मैं खुद जाऊंगा और इसे रोकने की कोशिश करूंगा। नहीं बालवीर, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ बालवीर, इसलिए हमें पहले इस उल्का को यहीं से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ नटखट परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। परियों, हम सब मिलकर उस उल्का के आगे एक शक्तिशाली दीवार बनाएंगे ताकि वो पृथ्वी लोक तक ना पहुंच पाए। ठीक है रानी परी। हाँ रानी परी। परियों, अब ये उल्का पृथ्वी पे टकराने से पहले इस दीवार पर टकराएगी और वहीं रुक जाएगी। और कहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का हल ढूंढने की। इस समस्या का तो एक ही हल है और वो है बालवीर। हाँ, अब तो बालवीर ही कुछ कर सकता है। बापूजी, पूरा देश परेशान है। ऑफिसेस में छुट्टी हो गई है, देश जैसे बंद हो गया है। हाँ, मैं भी अभी बाहर गया था। लोग जहाँ है वहां से अपने डर के मारे घर भाग रहे हैं, और नहीं तो जहाँ टीवी है वहां पे चिपक के बैठ गए। माँ, परियो, रानी परी, अब इस उल्का को रोकने के लिए मुझे खुद इसके सामने जाना होगा और इसे रोकने की कोशिश करनी होगी। नहीं बालवीर, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन माँ, हमारे पास यही एक उपाय है इस उल्का को रोकने का। मैं पृथ्वी से पूरी गति से उड़ते हुए इसकी तरफ आऊंगा और इसे धक्का मारकर किसी और सुरक्षित दिशा में मोड़ दूंगा। पर बालवीर, ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन रानी परी, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन बच्चों और पृथ्वी लोग को बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ रानी परी। नहीं बालवीर, वो उल्का बहुत ही विशाल और गर्म है। अगर तुम उसके पास गए तो तुम खुद जल सकते हो। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। बालवीर रहे या ना रहे, लेकिन पृथ्वी लोग का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जाऊंगा और इस उल्का को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। बालवीर, क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? अब उल्का धरती से नहीं टकराएगा? नहीं बच्चों, अब तक कुछ ठीक नहीं हुआ है। लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि ये समस्या भी दूर हो जाएगी। कैसे होगा बालवीर? वो उल्का तो फुल स्पीड में धरती की ओर बढ़ रहा है और उसी स्पीड से कभी भी टकरा सकता है। नहीं, मैं उल्का को पृथ्वी लोक से टकराने नहीं दूंगा। आज सबको मुझ पे विश्वास है ना? है ना? हाँ बालवीर, मुझे अपने बीबी पे पूरा भरोसा है। हाँ मुझे भी। हम सबको तुम पे पूरा भरोसा है बालवीर, तुम्हारे होते हुए हमें कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पूरा विश्वास। बस आप सबका यही विश्वास
उस उल्का को रोकने में मेरी मदद करेगा। इसके सामने जाना होगा और इसे रोकने की कोशिश करनी होगी। नहीं बालवीर, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत खतरनाक है। बच्चों और पृथ्वी रोग को बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। नहीं बालवीर, वो उल्का बहुत ही विशाल और गर्म है, अगर तुम उसके पास गए तो तुम खुद जल सकते हो। बालवीर रहे या ना रहे, लेकिन पृथ्वी रोग का रहना बहुत जरूरी, इसलिए मैं जाऊंगा और इस उल्का को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। पता चला है कि बालवीर उस उल्का की तरफ बढ़ रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.